ध्यान माने क्या? स्वयं को भूलना, अहंकार का भूलना, अपना होना, ये सब तो मानसिक क्रियाएं हैं ना। कुछ याद करना, कुछ भुलाने की कोशिश करना, ये सब तो मानसिक क्रियाएं हैं। तो मेडिटेशन माने मन की कुछ कारगुजारी। अपने थॉट्स को देखना कहते हैं आचार्य जी। कौन देखेगा? जो आ रहे हैं थॉट्स। कौन देखेगा? अपनी बुद्धि को है ना, हम परमपिता परमात्मा के समीप ले जाते हैं, क्योंकि वो आनंद के दाता हैं, वो ज्ञानी हैं, तो उनसे हम वो सारी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। हम उनसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, अपनी बुद्धि को उनसे मिलाते हैं, क्योंकि हम ये हमारी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। तो नंदन, चंपक, चंदा मामा, इनसे आगे की नहीं है ये कहानियाँ। कक्षा 3 के बच्चों के लिए चंपक, कक्षा 4 के लिए नंदन, कक्षा 6 के लिए चंदा मामा। आगे बढ़ो बेटा, क्या कहानियाँ बता रहे हो? हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं, वो दया के सागर हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे हम शक्तियाँ लेते हैं, ये क्या अनाड़ियों जैसी बातें कर रहे हो? जिन्होंने बताया वो जैसे भी थे, तुम कैसे हो कि तुमने सुन लिया ये सब? अध्यात्म वयस्कों और प्रौढ़ों के लिए है, बच्चों की परिकथाओं का नाम नहीं है अध्यात्म। जीवन मुक्ति के उच्चतम ध्येय को समर्पित करने का नाम है ध्यान। ध्येय इतना बड़ा हो कि वो तुम्हारा पूरा जीवन ही मांग ले, ये ध्यान है। ध्येय ध्याता की पूरी बलि, पूर्ण आहुति मांग ले, ये ध्यान है। ध्यान जीवन के किसी कोने में घटने वाली घटना नहीं हो सकती। ध्यान को जीवन का आधार होना होगा, ध्यान को जीवन का केंद्र होना होगा। ध्यान पहले आएगा और पहले आकर ध्यान निर्धारित करेगा कि जीवन में क्या क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो इसीलिए ध्यान को प्रतिपल होना होगा, निरंतर होना होगा। इसीलिए वो कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि हर क्रिया समय मांगती है, हर क्रिया विशिष्ट होती है। हर क्रिया कहती है कि 20 मिनट की मैं हूँ क्रिया, मुझे करो 20 मिनट। ध्यान कोई क्रिया नहीं हो सकती। तुम्हारे सारे कर्मों का परम ध्येय की तरफ उन्मुख हो जाना ध्यान है। इसीलिए ध्यान अपने आप में कोई विशेष कर्म या क्रिया नहीं हो सकता। ध्यान हमें करना है, ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान जिया जाता है। एक होता है करने वाला ध्यान, वो झुनझुना है, और एक होता है जीने वाला ध्यान, वो तलवार है। झुनझुना बच्चों के लिए, तलवार वयस्कों के लिए। बच्चे हो अभी तो जाओ करने वाला ध्यान कर लो कि जी गए थे मेडिटेशन सेंटर पे, 30 मिनट्स मेडिटेशन करके आए हैं। वो बच्चों के लिए है, जो बच्चे हों उनको मैं कहूँगा वहीं जाएं। जीने वाला ध्यान तो पूरे जीवन की कुर्बानी मांगता है। जो अपनी ज़िंदगी चल रही है उसी में तुम्हें देखना होगा कि मेरे लिए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए पूरे जीवन को झोंक दो। यही ध्यान है।